श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है। इन दिनों महाकाल की नगरी में हजारों भक्त क्षिप्रा नदी के रामघाट पर आते हैं और पिंडदान आदि करते हैं। इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। भगवान भूत भवन, भगवान महाकालेश्वर, भगवान की नगरी उज्जैन में अनेक प्रकार से कण कण में यहाँ पर भगवान शिव का निवास कहा गया है तथा मोक्षदायिनी क्षिप्रा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है तथा अनेक जगह से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं और अपने पितरों का कार्य आदि करने आते हैं और अनेक प्रकार के कर्म यहाँ पर करने आते हैं। पूजनीय स्थान कहा गया है भगवान महाकालेश्वर भगवान की ओर से तथा शक्तिपीठ की ओर से भी यहाँ पर पूजनीय स्थान कहा गया है। देखा जा रहा है कि अभी श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, 17 सितंबर से जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है इसमें कहीं लोग दूर दूर से यहाँ पर क्षिप्रा नदी जो किनारे रामघाट स्थित है वहाँ पर अपने पितरों का कार्य करने भी आते हैं। पितरों का कार्य यहाँ पर नाम से ही प्रतीत होता है रामघाट कि भगवान राम जी का घाट इसी क्यों कहा गया है। कहा जाता है, इससे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि जब भगवान राम जी वनवास को गए, जब उनके पिता का मृत्यु हुआ उसके पश्चात उन्होंने अनेक जगह पर अपने पितृ शांति हेतु, पितृ प्रसन्न हेतु तर्पण किया तथा श्राद्ध किया। उसी प्रकार भगवान राम जी जब यहाँ उज्जैन नगरी में प्रवेश करे और क्षिप्रा किनारे भी उन्होंने अपने पिताजी दशरथ जी का पिंड दान किया तथा उनका श्राद्ध किया, इससे यहाँ पर एक घाट उपलब्ध होता है जो कि राम घाट है। वहाँ पर आ करके श्राद्ध पक्ष में सभी लोग दूर दूर से आते हैं अपने पितरों की शांति हेतु, वहाँ पर अपने माता पिता की सेवा के लिए पिंड दान करते हैं, श्राद्ध कार्य करते हैं और श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को नमन करते हैं। उनकी शांति के लिए यहाँ पर पितरों का पिंड दान आदि किया जाता है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है कि भगवान राम जी ने स्वयं अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म क्षिप्रा किनारे राम घाट पर किया। इसलिए यहाँ पर उज्जैन नगरी का यह क्षिप्रा तट पर जो राम घाट स्थित है उसका बड़ा महत्व बन जाता है तथा यह मोक्षदायिनी होती है।